अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के अहम केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और हम देखते हैं कि आज सुबह से ही इस केस की मुसलसल तीसरे दिन से जो मैराथन हेयरिंग्स थी वो जारी थी और आज की हेयरिंग में जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तलब की गई, जिसे देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं नहीं लिखा कि इशफाक परवेज कयानी को एक्सटेंशन किसने दी और जनरल राहील को तो पेंशन मिल रही है लेकिन रूल्स में जनरल की पेंशन का भी जिक्र नहीं, पहले एक्सटेंशन होती रही और किसी ने जायजा नहीं लिया। अब आईनी इदारा इस मसले का जायजा ले रहा है और आईनी ओहदे पर तकरूरी का तरीकाकार जो है वो वाज़ेह लिखा होना चाहिए। हमने ये भी देखा नाज़रीन कि आज कोर्ट्स में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन से मुतालिक एक नई समरी अदालत के रूबरू पेश की जिसका उसने मुकम्मल जायजा लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की जो सर्विस थी उसमें एक्सटेंशन से मुतालिक जो दरख्वास्त पर फैसला सुनाया उसमें कहा गया कि हुकूमत ने एक मौकफ से दूसरा मौकफ इख्तियार किया, हुकूमत अदालत में आर्टिकल 243(1)(b) पर इन्हिसार कर रही है और अदालत ने आर्टिकल 243(b) का जायजा लिया है। हुकूमत आर्मी चीफ को 28 नवंबर से एक्सटेंशन दे रही है और अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आर्मी चीफ की मौजूदा अपॉइंटमेंट 6 माह के लिए होगी और फेडरल हुकूमत ने अश्योरेंस दिलाई है कि 6 माह में कानून साजी की जाएगी जबकि आर्मी चीफ की जो मुद्दत और जो इंसेंटिव होंगे उनसे मुतालिक 6 माह में लेजिस्लेशन की जाएगी। अब कोर्ट से अपने फैसले में मजीद कहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए यह मामला पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं, पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 243 के अंडर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतालिक कानून साजी करे। कोर्ट की जानिब से आर्मी चीफ को 6 माह की एक्सटेंशन दी जा चुकी है नाज़रीन और इस दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करके जितनी जो मुद्दत तय करेगी उतनी ही मुद्दत के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे और आज के इसी फैसले के तमाम पहलुओं को जेरे बहस हम अपने शो में लेकर आएंगे और इस हेयरिंग में किन अहम एस्पेक्ट्स पर बात हुई है उसका भी हम अपने प्रोग्राम में जो है जायजा लेंगे और फिर वजीर आजम इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल पर अपनी ट्वीट की और उसमें कहा कि आज मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देखने वालों के लिए एक मायूस कुन दिन है आज का और इदारों में तसादुम नहीं हुआ, बैरूनी दुश्मन अंदरूनी माफियाज को खसूसी मायूसी हुई। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है उनका भरपूर एहतराम करता हूँ, उनका शुमार पाकिस्तान के अजीम जजेस में होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन हम देखते हैं कि वजारत खारजा में जो गैर मुल्की सफीर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस से भी जब वो खिताब कर रहे थे तो जमहूरियत मजबूत हो रही है, उन्होंने कहा कि इदारे अपने दायरे में हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। दूसरी जानिब एक और केस भी आज नजरों में रहा और वो परवेज मुशर्रफ साहब का के खिलाफ जो केस की स्पेशल कोर्ट्स थी उसमें जो हेयरिंग होती है उसकी हेयरिंग के दौरान जो जस्टिस नजर अकबर थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं और सरबराह खुसूसी अदालत जस्टिस वकार ने रिमार्क्स में कहा है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर तबसरा नहीं करेंगे लेकिन दिसंबर 5 तक मौका दे रहे हैं, परवेज मुशर्रफ आए और अपनी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं मुल्क के अंदर आकर। हम इस केस को भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन मुर्तजा साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ चौधरी साहब, एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज करें हम आपको पहले सुनवा दें कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने आज के खिताब में क्या कहा। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन हियर। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है, हमारे अब वो एक मुल्क में एक डेमोक्रेटिक कल्चर और माइंड सेट आ चुका है। हम इदारे जो एक वक्त कोई समझता था कि क्लैश होंगे, इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे, सारे इदारों अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया है और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अब मेरी गवर्नमेंट का मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि हम
ہماری تو جو 23 سال پہلے جب ہماری پارٹی بنی تھی تو نمبر ون پلانک ہماری پارٹی کا تھا آزاد عدلیہ، اور ہم نے عدلیہ کے لیے، میں اپنی پارٹی کا اور اپنا، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی 2007 میں جب آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی، میں جیل گیا اس کے اوپر، اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے، اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے، ان کو پوری سپورٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہارمنی ہے اداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے، اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ملک ڈیسٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے، ان ساروں کو شکست ملی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے آج کا خطاب سنا، ہم اس پر بھی آئیں گے، بٹ اگر آپ لوگ ہمیں اجازت دیں تو ہم عارف چودھری صاحب آپ سے شروعات کر لیتے ہیں، کیونکہ لیگل میٹر ہے، ہم آپ سے پہلے آپ کی لیگل اوپینین لے لیں۔ آج کا جو عدالت کا فیصلہ ہے، مختصر فیصلہ ہے، اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں، پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی تقرری سے متعلق لیجسلیشن کرے، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے اس نئی قانون سازی تک اپنے عہدے پر فرائض انجام وہ دے سکیں گے۔ تو اب یہ جو آج عدالت میں پیش کیا جانے والا نوٹیفیکیشن تھا، یہ 6 ماہ کے لیے ہوگا، اس آج کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے یہ نوٹس اس وجہ سے دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم پوسٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہ تو تینیور جو ہے وہ کہیں آئین میں نظر آ رہا ہے، یعنی مدت ملازمت، اور نہ کوئی طریقہ سوائے اس کے کہ آرٹیکل 243 یہ بتاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی سارے جو چیفس ہیں فورسز کے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے پھر سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا، سپریم کورٹ یہ چاہتی تھی کہ اس میں طریقہ کار کا بھی پتہ چلا سکے کہ کون سا طریقہ کار ہے اپوائنٹ کرنے کا، اور پھر اس کے بعد یہ جو توسیع ہے، یہ توسیع ہے، ری امپلائمنٹ ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ اور جب آئے ان کے سامنے، جب ریکارڈ آیا تو ریکارڈ میں تو ایون جو سمری بنی ہوئی تھی اور جس طرح سمری گئی اوپر وہ، اور وہ جو اپروول آئی وہ، اس میں اتنا تضاد نظر آ رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں میں نہیں دہرانا چاہتا، آپ سب نے دیکھی ہوگی، اور اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ جب پیش ہوئے تو وہ عدالت کو کسی لحاظ سے بھی مطمئن نہ کر سکے، 2-3 دفعہ یہ ایکسرسائز کی گئی اور پھر وہی غلطی آئی، لیکن عدالت نے جو 8 سوال دیے تھے ان کا ملخص یہ تھا، محاصل یہ تھا کہ یہ جو تقرری ہے یہ ری امپلائمنٹ ہے یا یہ ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے۔ ماضی میں جو فیصلہ ایک کسی نے کیا تھا، اپنا پرائم منسٹر صاحب نے، کیانی صاحب کا، تو وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ریلیکسیشن آف رولز، میں نے مشورہ کر کے ان صدر صاحب کے ساتھ تو میں نے یہ ان کو توسیع دی ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ توسیع کا لفظ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، جو راستے دیے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے جوڈیشل اسٹیٹ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ چاہتے تو خود اس تقرری کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے سکتے تھے، لیکن وہ چونکہ ایسی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتے جس سے غیر یقینی کی صورت حال آئے، لہٰذا انہوں نے جوڈیشل اسٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر چھوڑا ہے، مقرر کے اوپر، کہ وہ اپنا فرض ادا کرے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور ود آؤٹ ڈسکریمنیشن سٹرکچرڈ انداز کا قانون بنائے جو سب کے لیے یکساں ہو اور لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کے پرنسپل کو اور باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، کیونکہ چیف یہ پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ تو انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہونی چاہیے۔ یہاں پر شیخ فیاض الدین صاحب، یہاں پر اب ہم نے آج دیکھا ہیئرنگ میں جو آنریبل ججز تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جو آرٹیکل 243 ہے کانسٹیٹیوشن کا،
उसको भी एग्जामिन किया है हमने, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को भी किया है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स को भी एग्जामिन किया है, और आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन 1998 को भी एग्जामिन किया, और हमें कहीं कोई स्पेसिफिकेशन या प्रोविजन नहीं मिलती जिसमें बताया जाए कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है या रीअपॉइंटमेंट है या इवन कि उनकी जो सैलरी और जो इंसेंटिव्स हैं, कहीं किसी किस्म की कोई प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो अब ये फैसला आने के बाद हम देखते हैं कि हुकूमती वज़रा जो है वो भी मीडिया टॉक करते हैं, और जिसमें जो फॉर्मर वजीर कानून फरूक नसीम साहब हैं वो आर्मी चीफ की मुद्दत के हवाले से कहते हैं कि वो 6 माह बाद खत्म नहीं होगी, 6 माह में बनने वाले कानून के तहत ये मुद्दत तय होगी। हम एग्जैक्टली आपको सुनवा दें कि उन्होंने क्या कहा आज, एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन ऑन दिस। उनका टेन्योर शुरू है नंबर वन, नहीं ना नंबर वन देयर इज नो लिमिट, उसमें ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कानून लें और उस कानून में जो भी टेन्योर रखा जाएगा वो फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उसको सवाब दी है कि उसको वो टेन्योर जो चाहे रखे, उसको रीअपॉइंटमेंट क्या है, उसको एक्सटेंशन क्या है, उसको कंटिन्यूएशन क्या है। तो ये तमाम की तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसन तरीके से जिनको ये डिसाइड करना चाहिए यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, उनकी तरफ ये मामला भेजे हैं। तो लिहाजा ये भी गलत है अगर कोई न्यूज चला रहा है कि 6 महीने बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। चीफ ऑफ आर्मी साहब जी, यहाँ पर शेख फैजुद्दीन साहब आपने सुन लिया कि फरूक नसीम साहब आज क्या कहते हुए नजर आए। तो अब ये मामला जो है आर्मी चीफ का ये पार्लियामेंट के सामने होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हम देखते हैं जो स्पेशली ऑपोजिशन की थी वो अब तक महज खामोश थी, तो अब उन्हें अपना रोल जो है वो अदा करना होगा। तो आर्मी चीफ की जो मुद्दत है उसमें कितनी एक्सटेंशन करनी है इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है। तो क्या आपके ख्याल में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुतहद होकर अपना रोल अदा करने को तैयार है इस वक्त? शुक्रिया जी, इससे पहले कि मैं इस बात पे कमेंट्स करूं, ये एक इंतहाई हसास मामला है और ये पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे और मोहतरम तरीन इदारे जो हमारी अदलिया है उसके दरमियान ये मामला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ने इस मामले को जिस तरह हैंडल बल्कि मिस हैंडल किया है वो उनकी नाहिलियों की दास्तान में सरे फहरिस्त है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये तो असिस्टेंट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के भी ऑर्डर इस तरह नहीं होते जैसे आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर्स किए हैं। तो बहरहाल वो एक अलहदा एक सिलसिला है। अब देखें हुकूमत उन नाहलों को जिन्होंने ये नाहली की है और हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जहाँ तक अपोजिशन की जमातों का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि इस दौरान उन्होंने इंतहाई दानिशमंदी से इस मामले पर किसी किस्म के भी नेगेटिव कमेंट्स देने से गुरेज किया है। अब यह मामला चूँकि असम्बली में आ गया है, अब देखना यह है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसके काम चलेगा या आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर आइनी तरमीम करनी पड़ती है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इस काम चलाया जाता है तो उसके लिए मुझे यकीन है कि अपोजिशन हर वो कदम उठाएगी जो कौम और मुल्क के मफाद में होगा और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए बेहतर फैसले करेगी। लेकिन हुकूमत के इस सिलसिले में जो शर्मिंदगी आई है वो एक मैं समझता हूँ यादगार है। हम जवाब ले लेते हैं हुकूमत से। नदीम कुरैशी साहब, यहाँ पर आपने अभी होने वाली डिस्कशन भी सुनी और फिर चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा कि कल आर्मी एक्ट का जब जायजा लिया तो भारतीय और CIA एजेंट कहा गया और अटॉर्नी जनरल ने उनको फिर कहा कि हमारी बहस का भारत में बहुत फायदा उठाया गया। तो चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स थे उसके बाद कि हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया, ये हमारा हक है कि हम सवाल पूछें। तो अब सवाल यहाँ पे ये आम आदमी उठा रहा है कि हम आर्मी जैसे इदारे की जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें उसकी रेपुटेशन को, अपनी अदलिया की रेपुटेशन को क्या हमने डैमेज नहीं किया इस तमाम 3 दिन की मैराथन ऑफ हेयरिंग्स के हवाले से, जो आर्मी चीफ है उनकी एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं आपसे दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। पाकिस्तान के जो मरूजी हालात हैं, पाकिस्तान के साथ एक ऐसा दुश्मन पाकिस्तान की तकदीर में लिखा गया, चूंकि पड़ोसी तब्दील नहीं होते, ये एक सिस्टम है, आप खुद वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं लेकिन सर्दे कैसे बदलेंगे खुदा ना खास्ता। हमारे साथ जो बैठा हुआ है इंडिया, जो हमारा उसकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो। मैं आपको एक चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ,
जिन लोगों ने इस 3 दिन में हिंदुस्तान का मीडिया वॉच किया वो इस बात पर उन्हें खुशी का इजहार जरूर करना चाहिए कि उन लोगों को कितनी फिक्र है हमारे मामलात की। और मैं इसको पाकिस्तान की मसल्ला वाज के लिए क्रेडिट गुजारता हूं कि उनका पूरा मुल्क इस बुखार में मुब्तला था कि पाकिस्तान की अदालत क्या डिसीजन देती है। ये हमारी उनके आसाब पर सवार होने का एक बहुत बड़ा नमूना पूरी दुनिया ने देखा। जहां तक बात है कोर्ट्स की, देखें जब माजी में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती रहीं, जरदारी गवर्नमेंट में भी हुई, इससे पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी हुई, 3-4 आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन मिली, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है और यही प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती रही। अब भी बैने ही वही प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई, लेकिन अगर कोर्ट ने समझा और वहाँ कोई दरख्वास्त गुजार ने कोर्ट को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ी दानिशमंदी से और हमेशा से पाकिस्तान की आला अदलिया, मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस की इस बात को इंडोर्स करूंगा कि 2009 के बाद की जो अदलिया है उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। और जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दानिशमंदी से हौसले से इन सारी चीजों को टेकअप किया और हुकूमत को, हमारी पार्लियामेंट को यह मौका दिया कि जो लकोनाज रूल कानून में है, जो आइन जहां पर खामोश है उसमें उस खामोशी को ब्रेक करके चीजों को वाजे किया जाए। तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है, बिल्कुल ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, जैसे शेख साहब फरमा रहे थे कि जी ये कोई डिसक्रेडिट है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस गवर्नमेंट में एक चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान में इदारे आजाद है, पाकिस्तान की अदलिया आजाद है, पाकिस्तान की अदलिया ने उस आला तरीन मनसब पर जिसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तान में एक बे इंतहा इज्जत का मकाम समझा जाता है और पाकिस्तान की मुसल्ला आवाज पाकिस्तान की सालियत की गारंटर है, अगर पाकिस्तान की आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में साख और इज्जत है उसमें एक इंस्टीट्यूट पाक फौज का नाम सर फहरिस्त रखा जाएगा। आरिफ चौधरी साहब, ऑलराइट आरिफ चौधरी साहब, ये यहाँ पर जो कहा गया कि डिस्क्रेडिट है मौजूदा हुकूमत जिस तरह से हम 3 दिन से देख रहे हैं नोटिफिकेशन दर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आज कोर्ट्स में फॉर्मर आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी साहब की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन भी पेश किया गया और उसे पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं लिखा कि एक्सटेंशन किसने दी। तो फिर सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स की जानिब से भी गफलत का मुजाहरा किया गया है, पीपल्स पार्टी ने भी फिर गफलत का मुजाहरा किया है, तो फिर सिर्फ तहरीके इंसाफ को क्यों मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है? हमने देखा कि 18th अमेंडमेंट के बाद तो दो हुकूमतें और भी आई हैं। नहीं, बात मुरद इल्जाम ठहराने की नहीं है, बात बड़ी दिलचस्प है इस लिहाज से कि ये कोई ऐसा भी नहीं था कि जिसमें किसी गवर्नमेंट को चैलेंज था, मामला ये था कि एक और दूसरी बात जो खास तौर पर कही जा रही है कि मुल्क दुश्मनों ने बहुत उसमें जागन साई, मैं समझता हूं कि पार्लिमानी निजाम के अंदर अगर आप अपने इदारों में कोई इस तरह की सूरत हाल आपको सामना करना पड़ता है और आप कानून की तशरीह करते हैं, कानून को की दुरुस्तगी करते हैं, तो ये किसी सूरत में ये जग अनसाई का बायस नहीं होनी चाहिए और ना इससे आपको कभी शर्मसार होना चाहिए। पूरी दुनिया में, वहां इंडिया में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, अमेरिका में भी होती है, हर जगह होती है, बल्कि इससे हमारी अदलिया का वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत की इज्जत दुनिया में ज्यादा बड़ी है कि जो लोग ये समझते थे कि शायद यहाँ फौज जो है वो बहुत ज्यादा बरतर है कि जो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, उन्हें भी पता चला कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कदर पावरफुल है कि अगर उन्हें ये नजर आए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की करनी तक जो है उसमें कोई कानूनी सुकम मौजूद है तो वो उसका भी नोटिस ले सकती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी हुकूमत है इससे कम अज कम ये जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि माजी का जो मामला था उसमें उन्होंने लिखा था इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने लिखा था और इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स उन्होंने तकर्री की प्रेसिडेंट के मशवरे के साथ, यहाँ जो ये कर रहे हैं उसमें खुद इवन सबरी जो है उसके नकायद एक तरफ। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जाते जाते अब कर दूं कि ये मामला जब पार्लियामेंट के पास गया है तो ये उनकी बात दुरुस्त नहीं है जो साबिक नायब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये 6 महीने से आगे कंटिन्यू, देखें उनकी रूह ये है फैसले की, आप जब तफसीली आएगा उसे भी पढ़ेंगे और जो ऑब्जर्वेशन आई है अब तक जो उनके वो भी देखें कि ये अगर आप फुल टेन्योर देते हैं, टर्म देते हैं फॉर 3 ईयर तो दैट अमाउंट टू गिविंग री एम्प्लॉयमेंट टू ए रिटायर्ड जनरल, इसलिए ये चीज देखना होगी, टेन्योर फिक्स करना होगा आपको, वहां ये नहीं है कि आप तो सीधे
توسیع والی بات نہیں ہے, توسیع صرف دی گئی ہے. اب اس پر مزید ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو پہلو ہے اس کو کس طرح سے لیا جائے. یہ 6 ماہ جو دیے گئے ہیں یہ کیا جنرل قمر جاوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن ہے یا یہ ان کی, جیسے کہ فاروق نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو رہے گی, یہ 6 ماہ لیجسلیشن کے لیے دیے گئے. اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے, جسے کہ تاریخ ساز فیصلہ کہا جا رہا ہے, پاک افواج کے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے, اس میں ایکسٹینشن, ری اپوائنٹمنٹ, اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کرنے کو کہا گیا ہے پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو. اور آج کی اس ہیئرنگ میں چیف جسٹس نے لیجسلیشن کے حوالے سے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی جا کر آپ قانون بنا کر آ جائیں, جو قانون 72 سالوں میں نہیں بن سکا وہ اتنی جلدی نہیں بنے گا. اٹارنی جنرل نے رسپانس کیا کہ یہ جو قانون سازی ہے اس کے لیے 3 ماہ کا وقت ان کو چاہیے ہوگا. تو اب سوالات ہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں اس لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھ کر کام کرتی نظر آئیں گی. اور پھر حکومت نے جو 3 سال کی ایکسٹینشن کا ایک نیا نوٹیفیکیشن آج کورٹس میں پیش کیا, تو کیا حکومت عدالت کو اس نوٹیفیکیشن پر مطمئن نہیں کر سکی؟ اور پھر یہ جو آج کا عدالتی فیصلہ ہے اس میں 6 ماہ کے بعد کسی نئے آرمی چیف کی تقرری کا ذکر نہیں ہے, تو اس سے کیا مطلب لیا جائے گا کہ جو کرنٹ انکمبنٹ آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی, ان کی جو انسینٹیوز ہیں, سیلری ہے, مراعات ہیں, اور جو آرمی ریگولیشن ہے اس میں ترامیم کا جو تعین ہے وہ بھی پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہوگا؟ اور پھر کیا اب حکومت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ اور جو یہ سیاسی بیان بازی ہم دیکھ رہے تھے حکومتی عزراء کی جانب سے, کیا اس میں کچھ گریز ہوتا نظر آئے گا یا نہیں؟ یہاں پر اگر ہمیں حسن مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آج کا ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہمارے سامنے ہے اور اب حکومت, فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو 6 ماہ کا وقت دے دیا جا چکا ہے انتہائی امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنے کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 6 ماہ دیے گئے ہیں یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کافی ہوں گے؟ کیا اس سے پہلے بھی جو ہے یہ لیجسلیشن مکمل ہوتی بھی نظر آئے گی؟ کیا اپوزیشن اور حکومت اگری کرتے نظر آئیں گے اس لیجسلیشن پر؟ بہت شکریہ جی. عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے یا جو ٹائم دیا ہے, میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی صفیں درست کرے اور وہ اس لیجسلیشن کے لیے سیریس بھی ہو اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لے اور یہ لیجسلیشن کرے. لیکن جو حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے تقریباً, اس میں محسوس نہیں ہوتا کہ شاید وہ کسی بھی لیجسلیشن کے لیے سیریس ہیں, کیونکہ ڈیورنگ اسمبلی جب اسمبلی سیشن ہو رہا ہو اس وقت آپ آرڈیننس وغیرہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں یہ ہمارا پروونشل اسمبلی کا جو سیشن چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں وہ روز ایکسٹینشنز لیے جا رہے ہیں, آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ ایک چھاپی جا رہی ہے اور بھیجی جا رہی ہے. قانون سازی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے اور جس ہاؤس کو ابھی تک انہوں نے مکمل ہی نہیں کیا, کیونکہ جب تک کمیٹیز جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز وہ نہیں بنتی تو ہاؤس مکمل نہیں ہوتا, ہاؤس کا بزنس نہیں چلتا, ہاؤس میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. ایون آپ نے وہ بل کمیٹیز کو ریفر کرنے ہیں, وہاں پہ وہ ڈسکس ہونے ہیں, پھر ہاؤس میں ٹیبل ہونے ہیں, تو یہ سارا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت جو چلا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس کو کیسے چلاتی ہے, ہاؤس کو ان آرڈر رکھتی ہے, ہاؤس میں بدمزگی سے وہ گریز کرتی ہے. لیکن یہاں پہ تو جو وزراء کا رویہ ہے وہ میرے بھائی ہیں ندیم قریشی صاحب, وہ بھی اس بات کو انڈورس کریں گے میرے خیال میں. بے شک اپوزیشن کا کام شور شرابہ ہے, سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے, ان کے آرڈرز ہیں, اس میں کیا آپ عدلیہ کے آرڈرز کے انڈر رہ کر اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے؟ اگر حکومت, فیڈرل جو ہے گورنمنٹ, وہ آپ کے ساتھ اگر ہینڈ ان ہینڈ نہیں جاتی تو کیا آپ عدلیہ کے فیصلے کو فالو نہیں کریں گے؟ عدلیہ کا جو ڈیسیجن ہے وہ سر آنکھوں پہ, وہ لیجسلیشن کرنی ہے گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ بزنس ہے, پرائیویٹ ممبر اس پہ وہ موو نہیں کر سکتا یا پرائیویٹ ممبر جو ہے اس کا بل نہیں ہوگا, وہ جو بل ہوگا وہ گورنمنٹ کا ہوگا اور وہ گورنمنٹ بزنس ہوگا, گورنمنٹ نے وہ کرنا ہے. اگر گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ ملاتی ہے, کیونکہ ہمیشہ ہر دور میں جو حکومت ہوتی ہے وہی ہاؤس کو چلانے میں وہ برداشت بھی کرتی ہے اپوزیشن کا احتجاج ہو, اپوزیشن کا شور شرابہ ہو, کیونکہ وہ مائنورٹی ہوتے ہیں, اقلیت ہوتی ہے اور وہ اکثریت ہوتی ہے, وہی ہمیشہ خیال رکھتی ہے.
अगर गवर्नमेंट जो है वो सीरियस होगी तो ये लेजिस्लेशन जरूर होगी, इसमें बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर शेख फयाजुद्दीन साहब, आज जब हमने देखा कि हुकूमती वज़रा ने जब मीडिया टॉक की तो हमें अटॉर्नी जनरल कहते हुए नजर आए कि ये जो लेजिस्लेशन है ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, तो वो बड़े मुतमईन नजर आए, तो क्या नून लीग जो है उनके साथ ऑन बोर्ड है इस मामले को लेकर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ ऑन बोर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन कौमी मफाद में वो हर वो फैसला करेगी जो कौम के हक में होगा। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का रवैया है वो इंतहाई गैर संजीदा है। मैं आज टेलीविजन पे शेख रशीद साहब का मोहतरम का बयान देख रहा था कि ये दौड़े भी आएंगे और हाथ भी बांधेंगे और वोट भी देंगे। भाई मेरे, हाथ बांधना तो हमने मुल्की मफाद के लिए तो हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब का जो बयान था वो भी कोई मुफाहमत की तरफ तो जाते नहीं दिखाई दे रहा था। इन सब बातों के बावजूद अपोजिशन जो है वो मुल्की मफाद में हर वो कदम उठाएगी जो वो बेहतर समझेगी, और मैं समझता हूँ कि यह इंतहाई हसास तरीन मामला है और इसमें जो फैसला भी मुश्तरका अपोजिशन करेगी वो इंशाअल्लाह कौम और मुल्क के मफाद में होगा। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक, मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। समरी मूव होती है वज़ीर आज़म की तरफ से और कैबिनेट से मंजूरी बाद में ली जाती है। समरी मूव होती है एक्सटेंशन की और जनाब ऐवान सदर से जो नोटिफिकेशन होता है वो रीअपॉइंटमेंट का होता है। मुझे तो इसमें भी कुछ साजिश दिखाई दे रही है। ये खुद नहीं चाहते कि इस सीरियस मसले को संजीदगी से लिया जाए और अफाम और तफीम से इस मसले को हल किया जाए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमारी जो हुकूमत, हमारी जो अपोजिशन है वो तमाम पार्टियाँ सीजनड हैं, वो जज्बाती फैसले नहीं करेंगी। और जब ये पार्लियामेंट में बात आएगी तो ये भी देखा जाएगा कि किन हालात में एक्सटेंशन होनी चाहिए, वो क्या हालात है और किस हद तक कितने मुद्दत के लिए एक्सटेंशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों की वजाहत की है और मजीद जब उनका डिटेल ऑर्डर आएगा मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी बातें वाजे हो जाएंगी। ये अभी जो यहाँ पर एक फैक्टर एस्पेक्ट उठाया गया है कि ये जो एक के बाद एक 3 डेज इन अ रो इवन के हुकूमत ने जो आज भी 3 साल की जो एक्सटेंशन का नया नोटिफिकेशन इशू किया जो कोर्ट से पेश किया गया उस पर भी कोर्ट्स जो है मुतमईन नजर नहीं आई, तो ये हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि 3 दिन 3 डेज इन अ रो हुकूमत जो नोटिफिकेशन लेकर जाती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कमी रह जाती है। अब ये लॉ मिनिस्ट्री टॉप नॉच अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, टॉप नॉच आपके आई एम श्योर के लॉ मिनिस्ट्री पर जो बैठे होंगे लॉ एक्सपर्ट्स वो ये नोटिफिकेशन इशू कर रहे होंगे, तो हाउ कम 3 दफा इसमें जो है लैप्सेस नजर आते हैं, क्यों नहीं अदालत जो है वो मुतमईन हो पाई हुकूमत के 3 नोटिफिकेशन पर? अर्ज की है, एक तो आप हर चीज को अगर हम नेगेटिव परसीव करेंगे तो वो मैसेज कौमी सतह पर नहीं जाएगा। अच्छा, आप समझें कि हम, मैंने पहले भी अर्ज की कि पाकिस्तान में अब अदालतें आजाद हैं, अदारे आजाद हैं, इदारे इंडिविजुअल का, हमारे अपोजिशन के दोस्त जो माजी में ये इल्जाम लगाते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो अदालतों पे बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है। आप देखें सबसे टॉप रैंक का जो उदय यहाँ पाकिस्तान में आर्मी चीफ का, अगर उसके कानून में उनकी अपॉइंटमेंट में कोई अगर लकुनास थे तो अदालत ने अगर तस्दीक करने की कोशिश की है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो रोल प्ले किया है जो आईनी रोल उन्हें पाकिस्तान का आईन देता है। और जहां तक गवर्नमेंट के एंड पर बात है तो ये दानिश्ता कोई भी शख्स नहीं करता। आप 4 जो माजी में एक्सटेंशन हुई जिसमें जनरल जयाउलक की थी, जनरल मुशरफ साहब की थी और कैनी साहब की थी, आप उनको उठा लें, यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। बल्कि माजी में तो ये होता रहा कि जनरल मुशरफ साहब ने और जनरल जयाउलक साहब ने अपनी एक्सटेंशन खुद की। तो मैं समझता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट ने 72 साल में अगर ये एक चीज को टेकअप किया, भले देर आए दुरुस्त आए, इस मामले का भी एक खुश असलूबी से हल निकल आएगा। और जहां तक आप फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट क्यों चाहेगी चीजों को डिस्टेबलाइज करना, अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमें रॉक एजेंट करार दिया गया, किसी जगह पर हुकूमती सतह पर इस तरह की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब किसी की ग्रिप नहीं है। और सोशल मीडिया पर तो जो मैंने पहले भी अर्ज की, जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क बैठे हैं और एक पड़ोसी वो तो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान सही सिमत में आगे बढ़े। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी अपने अपोजिशन के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी भी शख्स की अगर मैं यहाँ टीवी पर बैठकर जाती हैसियत में कोई इमोशनल बात कर देता हूँ, ये एक हुकूमती मौकफ नहीं है। हम समझते हैं अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन को संजीदा मिजाजी का रवैया अपनाना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। All right,
यहाँ पर जो लीगल एस्पेक्ट्स इस आज के शॉर्ट वर्डिक्ट में नजर आ रहे हैं, हमें लीगल एक्सपर्ट हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया है, यहाँ पर हामिद खान साहब क्या फरमाइएगा, ये जो आज का अदालती फैसला है इसमें 6 माह के बाद किसी नए आर्मी चीफ की जो तकरीरी है उसका जिक्र नहीं है, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है या उसके इंसेंटिव है और जो आर्मी रेगुलेशन है, तो फिर क्या ये आर्मी रेगुलेशन में अमेंडमेंट की जाएगी और ये पार्लियामेंट सिर्फ आर्मी रेगुलेशन में अमेंडमेंट करेगी, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं होगी? नहीं, आईन के आर्टिकल में अमेंडमेंट की वैसे जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल याद तक तो रहेगा कि आया आईन की रूह के मुताबिक क्या एक्सटेंशन दे सकते हैं कि नहीं। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि एक्सटेंशन का ना तस्वर आईन में है ना कानून में है, तो इसलिए कहा गया है कि कानून में तरमीम करो और 6 माह के अंदर करो और उसके लिए 6 माह की एक्सटेंशन दे दी है, तो यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर फिर हामिद खान साहब, क्या आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अमेंडमेंट की जाएगी या पाकिस्तान आर्मी एक्ट में होगी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में नहीं होगी अमेंडमेंट, तो फिर इनमें से किस एक्ट पर जो है आर्मी एक्ट की उस पर अमेंडमेंट की जाएगी? है आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा जो भी अमेंडमेंट के जिक्र किया गया है या जो डायरेक्शन दी गई है वो तो आर्मी एक्ट को अमेंड करने से मुतलका है। ऑलराइट, और फिर ये आर्मी चीफ की जो सैलरी होगी, इंसेंटिव्स होगी, वो भी अदालत कह रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट, इन तमाम मामलात के साथ साथ सैलरीज, इंसेंटिव्स, उन सब का भी तायुन किया जाए। तो अब ये 6 माह जो दिए गए हैं, इसमें तो आर्मी चीफ जो मौजूदा है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो तैनात रहेंगे, लेकिन हमें फारूक नसीम साहब ने मीडिया टॉक में कहा है कि ये 6 माह लेजिस्लेशन के लिए दिए गए हैं, जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी मुद्दत जो है वो 6 माह के बाद भी कंटिन्यू करेगी, वो जारी रहेगी। देखिए ये तो जो नया कानून आएगा वो वाजे करेगा कि आया उनकी कंटिन्यू की करेगी या कितनी टर्म देता है नया कानून, उसके मुताबिक होगा। इस वक्त की कहना कब्र अज वक्त है, अभी तो सिर्फ यही है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है, कानून के मुताबिक नहीं, कानून में कोई अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है, अभी तक कानून खामोश है ये एक्सटेंशन के बारे में, और ये सिर्फ अदालत की स्वाकीदी हुक्म के मुताबिक 6 माह दिया गया है। ऑलराइट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करने का। यहाँ पर हम हसन मुर्तजा साहब आपकी जानिब आते हैं, और जैसा कि अभी लीगल जो एडवाइस थी हमने वो ओपिनियन लेना चाहिए इस मामले को लेकर के, ये जो 6 माह की मुद्दत कही गई है अदालती फैसले में कहा गया है आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन का टाइम है और वो 6 माह तक रहेगी, और फिर 6 माह में लेजिस्लेशन करके कानून साजी करके पार्लियामेंट और फेडरल जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे उनको उनकी एक्सटेंशन को कैरी आउट किया जाए या नहीं। जबकि फारूक नसीम साहब मीडिया टॉक में कहते हैं कि ये 6 माह के बाद भी उनकी जो एक्सटेंशन है आर्मी चीफ की वो कंटिन्यू करेगी। देखें, ये तो फाइनल जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही ये सारा, उसके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी वजाहत उसमें ही होगी कि क्या होगा। जहाँ तक फारूक नसीम साहब की काबिलियत का ताल्लुक है, वो तो आपने देख लिया है कि पूरी कौम के लिए, पूरी हुकूमत के लिए जो एम्बेरसमेंट उन्होंने क्रिएट की और पूरी दुनिया में जग हसाई हुई इस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में, वो आपने सारी कौम ने देखा है। तो इसमें फारूक नसीम साहब को तो इस हद तक अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। जहाँ तक ताल्लुक है, पहले कुरेश साहब ने भी कहा, आपका सवाल भी यही था कि आर्मी चीफ के हवाले से कि क्या कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ की। जी नहीं, उससे पहले जो बात हो रही थी ना कि हुकूमत का उसमें कोई, कुरैश साहब कह रहे थे कि कोई उसमें हुकूमत की मैलाफाइडी नहीं है इसमें। अब सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि ऑपोजिशन तो हुकूमत को 3 माह देने को तैयार नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर फिर 6 माह में ये कानून साजी या लेजिस्लेशन का अमल कैसे मुकम्मल होता नजर आएगा?
देखिए मैं ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के साबका बयानात हैं जिसमें उन्होंने प्राइवेट चैनल्स पे और टीवी एंकर से इंटरव्यूज़ में कहा हुआ था एक्सटेंशन के हवाले से कि किसी भी इंडिविजुअल को मजबूत करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि इदारा मजबूत हो, और इदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे पाकिस्तान में जमहूरियत भी नहीं फले फूलेगी और बाकी काम भी सही नहीं होंगे। तो अब वो यकदम उन्होंने एक यू टर्न लिया और वो आ गया कि उन्होंने अब मुल्क जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब के अलावा नहीं चल सकता, और इंडिया जो है वो हंस रहा है और इंडिया उस पर कॉमेंट कर रहा है, और वो एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी हो गई। कोई नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी ये किया, एक्सटेंशन का जो सिलसिला है वो गलत है। मेरी यार सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, वो भी जो पहली सबका अदवार में हुआ वो भी गलत था। हम आपकी जानिब आएंगे। Right. लेकिन एक सेकंड नीलम, एक सेकंड, ये आज के फैसले के बाद जी मुकम्मल जल्दी कर लीजिएगा हसन मुर्तजा साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो साबका अदवार में होता रहा वो भी गलत था, और जो अब एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत किया जा रहा है ये उससे भी ज्यादा गलत है। आपको चाहिए कि आप इदारों को ही मजबूत करें। तो इसका आप मतलब है कि अगर हुकूमत को फिर हम गफलत के लिए मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये उनकी गफलत नहीं है, उनकी नाहली है, ये उनकी नाहली है और नालायकी है, इसे गफलत नहीं कहा जा सकता। तो उस पर तो अदालत ने भी कहा। ओके शेख फैजुद्दीन साहब, अब ये आज के फैसले के बाद क्या कहा जाएगा कि जो बहरान पैदा हुआ था वो खत्म हो गया, या जो क्राइसिस है वो अभी फिलहाल वक्ती तौर पर टल गया है? क्या हुकूमत अब इस मामले को जो है हल कर पाएगी जो एक रोड मैप दे दिया है कोर्ट के वर्डिक्ट ने? पहले तो मैं वो फरोख नसीम साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बहरहाल वो कानूनदान हैं, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाज़त दी है 6 महीने की, और 6 महीने के अंदर लेजिस्लेशन करनी है। अगर लेजिस्लेशन ना कर पाएंगे तो वो इजाज़त मशरूत है। तो बाकी जहाँ तक ये है कि लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, हुकूमत का रवैया तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपोजिशन से मुझे तवक्को है कि वो मुल्की मफाद में इनकी पहले भी बातें बर्दाश्त करते रहे और अब भी करेंगे, और हर वो कदम उठाएंगे जो कौम और मुल्क के मफाद में होगा। ठीक, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, चलते चलते हमने देखा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर आकर अपना बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि आज उनको जरूर मायूसी हुई होगी जो इदारों में तसादुम चाहते थे। तो वजीर आजम ने अपनी ये ट्वीट में ये भी लिखा कि इदारों में तसादुम नहीं हुआ, बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी माफियाज को खसूसी मायूसी हुई। तो अब ये क्या ये समझा जाए कि एक दफा फिर अपोजिशन को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया है वजीर आजम की जानिब से, जो अंदरूनी माफियाज का लफ्ज यूज किया गया है? नीलम, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो प्रैक्टिसेस माजी में लोग करते रहे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दोस्तों से मैं क्वेश्चन करता हूं, जब ये इक्तदार में थे और इन्होंने आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशंस दी, आइन का आर्टिकल 243 मुकम्मल इख्तियार देता है वजीर आजम पाकिस्तान को कि उन्होंने तैनात भी करना है वो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि इस कानून की वजाहत मजीद कर दी जाए और एक मामला टेकअप हो गया, तो फिर क्या तूफान बचाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि आप इन हालात में आप कहते हैं कि नॉर्मल हालात नहीं है। 72 ईयर में कश्मीर का इशू पहली बार मुंतकी। यहाँ पर नदीम कुरैशी साहब, हसन मुर्तजा साहब, शेख फैजुद्दीन साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजीन, आज इसी मौके बाद शेख रशीद का भी बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि आर्मी चीफ 3 साल पूरे करेंगे तो मुस्लिम लीग नून हाथ जोड़कर भी वोट देगी। इस किस्म के जो अग्रेसिव बयानात हैं इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए हुकूमत को भी, हुकूमत के एलाइज को भी, और अपोजिशन को भी। जो तनकीद है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, बट इस किस्म की तनकीद जिससे कि टीम वर्क अफेक्ट हो इंतहाई अहम मामलात में, उसमें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।